नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की उम्मीद बढ़ा दी है चुनाव आयोग ने। खबरों के मुताबिक 29 नवंबर से पहले ही पूरी होनी है चुनाव की सारी प्रक्रियाएं। इसी के आधार पर अब बिहार में सजेंगे चुनावी अखाड़े। बिहार में वाल्मीकि नगर के रिक्त लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव कराए जाने के संकेत ने सभी दलों को चुनौती दे डाली है। अब नजरें टिकी हैं चुनाव आयोग की शंख ध्वनि पर। विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बड़ा फैसला लेकर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। फैसले में कहा गया है कि परिवार के व्यक्ति की यदि चुनाव के दौरान हत्या हुई तो प्रभावित के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह चुनौती देने और लेने के मूड में दिख रहे हैं। सभी हाकिमों को विकास में तेजी लाने का संकेत देना, शिथिलता पर हनक के साथ विपक्षी राजनीति पर नजर रखते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने गांधी सेतु पर सुगम आवागमन के लिए उसके दोनों फ्लैंक से परिचालन का ऐलान कर जाम से निजात दिलाने की कोशिश की है। यह व्यवस्था कल से ही लागू हो जाएगी। आज शिक्षक दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्र ने अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वर्तमान समय में शिक्षक दिवस की और प्रासंगिकता बढ़ गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य नेता समेत सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें याद किया। बिना मास्क लगाए घर से निकलते ही आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन कोरोना को लेकर सख्त हो गई है। संक्रमण से बेहतर बचाव के लिए मास्क का करें चुनाव। महागठबंधन के नेताओं के सामने अब टिकटार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। अपने आकाओं की गणेश परिक्रमा करते हुए राजद एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भीड़ बढ़ी है। पटना से सटे पुनपुन नदी तट पर भी पूर्वजों के नाम पिंडदान की परंपरा रही है, लेकिन इस बार कोरोना इफेक्ट ने इस घाट के सुनेपन को बढ़ा दिया है। गया धाम के तरह यहां भी पिंडदानी नहीं आ रहे हैं। परीक्षाओं के साथ सभी परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइंस दे दिए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो। दिशा निर्देश के तहत प्रतिभागियों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पेपर या उत्तर पुस्तिका में लार या थूक लगाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।